So hey guys, welcome back to my new blog and good morning. I hope you all ठीक ठाक हो. अब मुझे वर्ड ही नहीं आया. देखो यही होता है आज. एक्चुअली ना मैं जस्ट अभी उठी हूँ. अभी पौने आठ हो गए हैं. नो न्यू है. अभी पौने आठ हो गए हैं तो रात को इतनी बारिश हुई गाइस. इतनी बारिश हुई. अभी ठंड फाइनली शुरू होगी. नहीं तो इतनी कंफ्यूजन थी कि ठंड है कि नहीं है भैया. बट रात को बारिश हुई और मुझे सरू चढ़े फैन लगा दो फैन लगा दो. मुझे पागल हो गई है. तुझे फैन लगाना तो बाहर खड़ी हो जा. तुझे ज्यादा गर्मी लग रही है. तो फिर मेरे को पता क्या है, मुझे फैन की हवा नहीं चाहिए होती है. मुझे चाहिए फैन चल रहा है ना, तो मुझे ऐसे शांति से मिलती है. हाँ ठीक है फैन चल रहा है तो मैं सो पाऊंगी. ऐसे मन की वहम. तो गाइस अभी हम जस्ट उठे रात के. इतना तूफान आया खिड़की हिली है. मेरे पिल्लो सारे गिर गए हैं. कर्टन में उड़ गए ना पिल्लो ही गिर गए. अभी इनको भी सेट करने हैं. तो सबसे पहले भी मैं ब्रश कर लेती हूँ पहले. उसके बाद मैं फ्रेश हो लेती हूँ. फिर मैं नहाऊंगी नहीं अभी इतनी जल्दी सुबह सुबह ठंड में, क्योंकि मुझे बैक प्रॉब्लम है. तो फिर जब मेरी बैक ठंडी हो जाती है तो मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि अभी मैंने स्वेटर भी नहीं पहना तो मेरी बैक दुखने शुरू हो गई है. इसलिए मैं अभी सुबह सुबह नहीं करूँगी, बट 10-11 बजे से पहले पहले नहा लूँगी. तो अभी मैं ब्रश कर लेती हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ. तो मैं सबसे पहले खाना बना लेती हूँ. वहाँ किचन से फ्री होंगे तो फिर सारे काम खत्म हो जाते हैं. बाकी का तो क्या मैं ऐसे कर दूंगी. चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं टुडे संडे. तो आज संडे है तो आज कुछ नहीं चलेगा. अपना अपना फोन चलाएंगे. ठंडी भी बहुत है. कपड़े तो धोएंगे नहीं क्योंकि धूप नहीं निकले. कपड़े तो सूखेंगे ही नहीं. तो जस्ट ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा. देखते हैं फिर कुछ स्पेशल. आप कुछ बोलना चाहोगे? नो कमेंट. रेस्ट कर दी है. सोने आज क्योंकि आज इन्होंने 5 बजे रेस्ट नहीं ना की है ना. दैट्स व्हाई आज 5 बजे भी आज 10 बजे तक रेस्ट हुई है. तो लेट्स सी. गाइस आप देख सकते हैं मार्केट में कितना रश है. ये जरूरी नहीं कि संडे मार्केट हो तभी रश होता है. यहाँ पे रश होता ही होता है. आप कभी भी आओ, संडे मंडे ट्यूसडे कभी भी आओ, परेड में आपको रश मिलेगा ही मिलेगा. वाव, मन खुश हो जाता है यहाँ पे आने से. मैं तो फुली सेटिस्फाइड हो जाती हूँ यहाँ पे. इतनी सुंदर सुंदर कपड़े ड्रेसेस, इतनी अट्रैक्शन होती है ना. मुझे इतना, मुझे कोई बोले ना कि तूने जो खरीदना तू खरीद, मैं तो आती कर दूँ. सो हे गाइस, यहाँ पे ये न्यू खुला है, क्या नाम है इसका, बूम बूम बॉक्स करके. कौन सी रोड है मुझे नहीं पता. कौन सा रोड है ये? पांच तीर्थी वाले रेजिडेंस रोड है. तो ये न्यू खुला है यहाँ पे. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से. बबे वाली माता दिखते हैं, चार धाम यात्रा के वो दिखता है. और ये कौन सा बोल रहे थे आप? अच्छा पीरखू मंदिर भी है इधर. तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये इसका यहाँ से व्यू शो होता है. चार धाम यात्रा वाला मंदिर है. ये हमेशा बिजी रहते हैं अपने फोन में. इनके लिए कोई मैटर नहीं करता कहाँ है. और जब कोई कुछ बोले फिर ये बड़ी प्यारी सी स्माइल देके उस बात को खत्म करने की कोशिश करती हूँ. बट ऐसे कोड़ी खत्म होती है ना. क्या सर? सर इज इट राइट? एब्सोल्युटली यस.
सर आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? वेरी वेल। अच्छा लगा व्यू? अच्छा, और कुछ? समथिंग एल्स? नथिंग, नथिंग एल्स। व्हाई? बिकॉज़ यू आर बिजी इन योर फोन, दैट्स व्हाई। ओके ओके, फाइन, से बाय। सो गाइस, ये हमारी कोल्ड ड्रिंक आ गई है और ये है हमारे मोमोज, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपने मोमोज टेस्ट किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक्सप्रेशन से तो आपके लग नहीं रहा। नहीं नहीं, अच्छे थे। अच्छे थे, अच्छे किए थे ना। और तो मुझे बेस्ट, सबसे बेस्ट तो यही लगा ये टोकरी अभी नाक निकलेगा बाहर। नहीं 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 नहीं, तो ये आ गया है हमारा पिज्जा। मैं नहीं खा रही हूँ, सिर्फ यही खा रहे हैं क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, दैट्स व्हाई। सो हे गाइस, तो गाइस पहले हम ऊपर बैठे थे, तो फिर हम नीचे इनका देखने आए थे। तो इनका जो थीम है, ये डार्क थीम, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट है। बूम बॉक्स ये सर्कुलर रोड में पड़ता है, तो बाद में मुझे पता चल गया था, बट मुझे इनका थीम बहुत, और ये गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। आई होप कि मैं तब तक यहाँ पर रहूँ, मैं ज़रूर गर्मियों में ज़रूर विज़िट करूँगी। तो नहीं भी करूँगी ना, घर से स्पेशली आऊँगी, बट बेस्ट आप देख सकते हैं। और मुझे नाम भी बहुत यूनिक सा लगा इनका, और है भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेंटेन किया, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, प्रॉपर है, बेस्ट। आप आके यहाँ पे विजिट करें, मेरे कहने से करें या किसी के भी कहने से करें, या खुद का मन से जाएं, लेकिन ज़रूर। सो हे गाइस, ये यहाँ पे बूम बॉक्स करके कैफे है, बहुत ही अच्छा है। हमारा फर्स्ट विजिट था यहाँ पे और हमें बहुत ही टेस्टी लगा। अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मेरा तो यही मानना है कि एक बार आके आप यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। फोन में घुस गई है आज, मैच क्या होता है, बस फोन फोन फोन। हमारे पास टीवी नहीं है ना, इसलिए हम फोन पे देखते हैं। कहाँ रखा टीवी? टीवी घर पे है ना, बंद कर ना यार, मैच देख। सो हे गाइस, अभी हम इस ब्लॉग को करते थे एंड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज फिर से ही शॉपिंग की। अगर मैं आपको दूसरे रूम की हालत, रूम नहीं होता है, रूम होता है, दूसरे रूम की हालत दिखाऊंगी ना, इतना मैसी हो रखा है, इतना मैसी हो रखा है ना। आज तो मैं बाहर भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे वो करना था, रूम क्लीन करना था, आज धोने वाले कपड़े निकाल के रखने, कल कपड़े धोने हैं। रूम की तो बहुत बुरी हालत है, बाहर से कर्टन बंद कर लेती हूँ। सो गाइस, ये आज की शॉपिंग है, ये मेरा कुर्ता सेट है विद प्लाजो, ये ऐसे पजामी लिए, ये पूरा नाइट सूट है, बट ये पजामे ज़्यादा सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू इस नाइट सूट के। हाँ, और ये मेरा कलर है नाइट सूट का, वो बड़ी दीदी का है, ये भी बड़ी दीदी का है, और ये है मेरी जूतियों की कलेक्शन, ये सबसे फेवरेट पार्ट में यही होता है। सो या, ये था आज का, और पीछे तो अवॉइड करना क्योंकि अभी सब क्लीन करना है मुझे, क्योंकि आते ही मैं मैच देखना शुरू हो गई थी, क्योंकि इंडिया ने तो खेल लिया था, तो जिम्बाब्वे ने खेलना था, तो इसलिए मैं उधर बिजी हो गई थी, बट अभी मैं जल्दी से काम कर दूंगी, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, तो इससे पहले मैं फोन को हटा के पहले अपना काम फिनिश करती हूँ, फिर मिलते थोड़ी देर के बाद। सो हे गाइस, आज का ब्लॉग हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया 9:30, मुझे 10:30 के करीब मुझे सोना है, गुड नाइट। मैंने मूवी भी देख ली आजकल, मैंने एक नया टाइम शुरू किया है, टाइम नहीं क्या ही शुरू किया है, मुझे वर्ड ही नहीं आते समटाइम, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने पता नहीं यार, मेरे को वर्ड ही नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कर रही हूँ, मैंने दो दिन से भी मैं डेली रात को एक मूवी देखती हूँ, जब मैं खाना खाती हूँ, डिनर करती हूँ 8 बजे, तब मैं एक मूवी भी लगा लेती हूँ। तो अभी मेरी मूवी ख़त्म हो गई है, तो मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। समटाइम कुछ मूवीज इतनी अच्छी होती है ना, इतनी इंस्पायर करती है ना आपको, तो मूवीज तो वैसे इंस्पायर करने के लिए होती है, कुछ होती हैं जो नहीं अच्छी होती होंगी, बट मोस्टली अच्छी होती है जिससे कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हमने देखी ये बहुत अच्छी मूवी थी, वोटर्स के थी, पॉलिटिशियन और कॉमन हमारे जैसे वोटर्स के बारे में, कि हमें जो हमारे राइट्स वगैरह होते हैं
उसके रिलेटेड थी। तो गाइज गुड नाइट, क्योंकि मेरे को अभी ब्लॉग एडिट करना है, देन मुझे उसको अपलोड भी करना है, और मुझे 10:30 तक सोना भी है क्योंकि मुझे नींद आना शुरू हो गई है, क्योंकि मेरा कल से फिर रूटीन वैसे ही फॉलो होना है, तो दैट्स वाई अभी मुझे वहां मुझे सोना है। तो सो गुड नाइट, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुसे सारे की मेरा ब्लॉग शैल लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो, तो ठीक है उन सारे जने सही हो, टाइम आ सोआ करो, तो टाइम आ सवेरे उठा करो, राती जल्दी सोना नहीं तो सवेरे उठना कहीं, तो इतने गल सही आओ, मैं भी 10:30 तक सही है ना, इतने गल बाय गुड नाइट टेक केयर।